equation of the type this f dash ax plus b dx. Integration of f dash x is known to us. Integration of f dash x is f of x. Differentiation and integration will cancel each other's effect, and then outcome will be this. But to integrate this, we shall put t is equal to ax plus b. और जैसे t बराबर ax plus b put किया, we need to differentiate it. So dt by dx will be a. ये बहुत सिंपल बात है, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा आसानी से. तो 1 by a dt is equal to dx. Let the integral be i. मान लेते हैं इंटीग्रल i है. तो इंटीग्रल i का वैल्यू हो जाएगा, इंटीग्रल i विल बी f dash t 1 upon a dt. 1 upon a can be taken common being a constant. F dash t. Integral of f dash t dt. ये हो जाएगा f of t plus c. और फाइनली वैल्यू रख देंगे t का. तो वैल्यू रख देंगे t का, तो द आउटकम विल बी दिस. कैसा आउटकम होगा? 1 upon a f of ax plus b plus constant c. Means integral of this, one upon a is there, one upon a f of ax plus b plus c. So ye integral, this is the integral of f dash ax plus b. Let's come to the question now. Jaise question dekh le ki integral of sin 2x is what. So integral of sin 2x dekhna hai. So we shall put t is equal to what? 2x. And dt by dx will be 2, therefore dt upon 2 will be dx, and the integral will be ho jayega integral aapka sin t dt by 2, 1 by 2 can be taken common, or integral of sin t is minus cos t plus c, means minus 1 by 2 cos of 2x plus c. But agar in general baat kare to integral of साइन ए एक्स प्लस बी देख लें हम कि व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी. तो इसमें भी सेम प्रोसीजर वी शैल हैव टू अडॉप्ट कि टी की जगह क्या रखना पड़ेगा हमको, ए एक्स प्लस बी. जैसा हमने डेरिवेशन में देखा था, टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लेंगे, डी टी बाई डी एक्स विल बी ए, डी टी बाई डी एक्स विल बी ए, तो डी टी अपॉन ए विल बी डी एक्स. तो ये इंटीग्रल हो जाएगा अपना आई इज इक्वल टू साइन टी डी टी अपॉन ए. 1 by a common, integral of sin t minus cos t plus c, minus 1 upon a cos ax plus b plus c. तो ये एक फॉर्मेट बन गया कि अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा हो, मान लीजिए क्वेश्चन अपने पास हो इंटीग्रल ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, तो बिल्कुल सेम रूटीन प्रैक्टिस करके, रूटीन जैसा हमने रखा था टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसका आउटकम हो जाएगा 1 अपॉन ए साइन ए एक्स प्लस बी, 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी. तो बार बार हम देख रहे हैं कि इसमें अगर आंसर हमारा आ रहा है 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए कई बार ऐसा भी सोचते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कॉस 2x का इंटीग्रल करना है मान लीजिए, तो cos 2x का इंटीग्रल वो कहते हैं कि cos 2x का इंटीग्रल sin 2x, और जैसे डिफरेंशिएशन में 2x का 2 इंटू में होता है वैसे यहाँ अपॉन में हो जाता है, ऐसी अप्रोच रखते हैं और उससे उनका आंसर सही हो जाता है. पर ये अप्रोच जब गलत होती है, जब वो इस टाइप के इंटीग्रेशन में वही टेक्निक यूज कर लेते हैं, cos x स्क्वायर में वो लिख देते हैं sin x स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और वो सोचते हैं कि वो इंटू में नहीं आकर के यहाँ आ जाएगा. तो ये इसका आंसर गलत है, ये इसका अप्रोच नहीं है. इसका अप्रोच बहुत सिंपल है. क्या इसका अप्रोच है? कि जब x की जगह ax plus b आ जाएगा, जब x की जगह ax plus b होगा, तो आंसर में सब कुछ वैसा ही होगा, बस 1 अपॉन कोफिशियंट ऑफ x आ जाएगा, और द थिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर ए एक्स प्लस बी ओनली. अगर ए एक्स प्लस बी की जगह कुछ और है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, नहीं, एक्स स्क्वायर है, नहीं, मतलब कब अप्लाई होगा? जैसे आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आता है,
मान लीजिए आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आता है, तो अगर आपको पूछेंगे कि सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल क्या होगा, तो आप लिख सकते हो वैसा ही जैसे हमने ऊपर किया उसी तरीके से, लेकिन आप डायरेक्ट लिखिए टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। ये इसका हमने फिफ्थ वाले में सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी का लिख दिया। अगर हमारे पास क्वेश्चन मान लीजिए कि ऐसे आया कोसेक स्क्वायर टू एक्स, तो कोसेक स्क्वायर टू एक्स का इंटीग्रल हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लिख देंगे माइनस कॉट टू एक्स इंटू वन अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स, वन अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो वन अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या हो गया, वन अपॉन टू हो गया। यहाँ पे टू एक्स लिखा था इसलिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर टू एक्स की जगह यही चीज हमारे पास ऐसी लिखी होगी, मान लीजिए लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर या टू एक्स स्क्वायर, तब हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, देन इट कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड अंटिल एंड अनलेस वी आर गिवन इट्स डेरिवेटिव। टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, फोर एक्स होता है, तो यहाँ पे हमको एक्स दिया होना चाहिए, इस स्टार पोजिशन में एक्स शुड बी गिवन, तभी आप इसको इंटीग्रेट कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाते। तो ये फॉर्मूला जब और केवल जब लगेगा, कब, जब आपके पास एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी हो, मतलब फॉर्मूला विल रिमेन सेम, और एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी का मतलब है ये लीनियर होगा। क्या होगा, ये लीनियर होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं इसका इंटीग्रल करने की कोशिश करता हूँ, सेक ऑफ टू एक्स या सेक ऑफ थ्री एक्स टेन ऑफ थ्री एक्स, तो मुझे सेक ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स का इंटीग्रल आता है, सेक ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स होता है, तो क्या मैं सेक ऑफ थ्री एक्स टेन ऑफ थ्री एक्स का इंटीग्रल कर सकता हूँ? यस, इट कैन बी इंटीग्रेटेड एंड इट्स इंटीग्रेशन विल बी सेक थ्री एक्स इंटू वन अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स, वन अपॉन थ्री प्लस सी, क्योंकि x की जगह क्या है हमारे पास 3x है, x की जगह 3x है, मतलब लीनियर फंक्शन है, इसलिए इट कैन बी इंटीग्रेटेड, अदरवाइज इट कुड नॉट बी इंटीग्रेटेड। मान लीजिए किसी के पास ऐसा लिख दिया उसने sec of e to the power x tan of e to the power x, कैन दिस बी इंटीग्रेटेड? नो, इट कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड, इसको ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते मर्जी से, इसीलिए इसका डेरिवेटिव भी बाहर होता है, इसलिए इसका जो राइट क्वेश्चन बनता है वो ऐसा बनता है, e टू द पावर एक्स सेक ऑफ e टू द पावर एक्स टेन ऑफ e टू द पावर एक्स, एंड वी यूज टू पुट t इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स सो दैट इट बिकम सेक t टेन t, ये तो गलत हो गया, ये क्वेश्चन इसका सही क्वेश्चन बनता है। तो x की जगह क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर इंस्टेड ऑफ x, देयर शुड बी a प्लस बी एक्स ए एक्स प्लस बी, लीनियर फंक्शन। अगर मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया, तब देखें क्या होगा, आपको दे दिया जाता है सेक ऑफ ए प्लस बी एक्स, तो सेक ऑफ ए प्लस बी एक्स में आपको इंटीग्रल आना, ये चलेगा क्या? यस इट कैन बी, ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये क्या चीज है, लीनियर है, अगर ये लीनियर है तो ये पॉसिबल है। तो इसका सेक का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सेक प्लस टेन, तो ये जाएगा लॉग ऑफ सेक ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस टेन ऑफ ए प्लस बी एक्स ए प्लस बी एक्स, और बेस लॉग का ई है, या आप ln लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट ln। अब इसमें कोफिशियंट किसका आएगा, वन अपॉन कोफिशियंट x का आएगा, तो इसमें वन अपॉन क्या जाएगा, वन अपॉन इसमें b आ जाएगा। तो फॉर्मूले वही रहेंगे जो हमने पढ़े हैं, जो हमारे फॉर्मूले हैं, हमको जो आइडियाज हैं, जैसे मान लीजिए आपको टेन स्क्वायर थ्री एक्स का इंटीग्रल करने को आ गया कि टेन स्क्वायर थ्री एक्स को कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेन स्क्वायर थ्री एक्स को लिखोगे आप सेक स्क्वायर थ्री एक्स माइनस वन डी एक्स। अब सेक स्क्वायर थ्री एक्स को कैन इट कैन बी इंटीग्रेटेड, हाउ इट कैन बी इंटीग्रेटेड, लिख दो इसको आप टेन थ्री एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स थ्री माइनस वन, वन का इंटीग्रल एक्स प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, हो गया कि नहीं इंटीग्रेट। अब अगर इसी तरीके का हो तो इसमें हमको इस टाइप की पावर्स में देखो बहुत फायदा मिलेगा। जैसे हमें इंटीग्रेट करना है कॉस स्क्वायर टू एक्स का, कॉस स्क्वायर टू एक्स का, कॉस टू एक्स होता तो सिंपली हो जाता, अब कॉस स्क्वायर टू एक्स का करना है तो पहले कॉस स्क्वायर टू एक्स को कॉस के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कॉस स्क्वायर थीटा इज वन प्लस कॉस टू थीटा बाय टू, तो इट विल बी क्या बन जाएगा, ये आपका ये बन जाएगा वन प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन टू,
अब 1/2 कैन बी टेकन कॉमन, इंटीग्रल ऑफ क्या हो गया, 1 हो गया, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस 4x। अब इंटीग्रल ऑफ कॉस 4x सिंपली हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कॉस 4x का इंटीग्रल, क्योंकि ये लीनियर के फॉर्म में आ गया, 1/2 1 का इंटीग्रल x, और इंटीग्रल ऑफ कॉस इज नोन टू अस, दैट इज साइन, और एंगल इज क्या है, एंगल इज अ लीनियर फंक्शन, तो इट्स ओके। और अपॉन में आ जाएगा, इनटू में 1 अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स प्लस एन इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो ये इंटीग्रल था कॉस स्क्वायर 2x का। अब इंटीग्रल है आपके पास, मान लीजिए कि इंटीग्रल आपके पास है कॉस स्क्वायर 4x का है, विच इज एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, कॉस एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रल है, तो कॉस एक्स टू द पावर 4 को पहले आपको धीरे धीरे करके उसको लीनियर एंगल में बदलना पड़ेगा, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर डीएक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकेंगे अपन, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर डीएक्स। अब इसको ओपन करना पड़ेगा, 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4 कैन बी टेकन कॉमन, 1 प्लस कॉस 2x होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x डीएक्स। अब अपने पास कौन कौन सी चीज इंटीग्रेट हो सकती है, 1 कैन बी इंटीग्रेटेड, कॉस 2x कैन बी इंटीग्रेटेड, पर कॉस स्क्वायर 2x के लिए ऊपर वाला ही फंडा यूज करना जैसे ऊपर लिखा था मैंने, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x को अपन लिख सकेंगे 1 प्लस कॉस 4x। और एक बार आप फॉर्मूला भी कोट कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस हो, क्या फॉर्मूला है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4x बाय 2 प्लस 2 कॉस 2x डीएक्स। अब सारे एंगल लीनियर हो गए, सारे एंगल लीनियर हो गए, तो अब इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, 1/4 इंटू इंटीग्रल ऑफ, तो इंटीग्रल में इसमें एलसीएम आ जाएगा इसका 2, 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x प्लस, तो ये जो कॉस एक्स और साइन एक्स की पावर जब इवन होगी तो उसके लिए बहुत अच्छा तरकीब है अपने पास, तो ये इधर भी एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस 2x डीएक्स। अब 1/4 और 1/2 ये हो जाएगा 1/8, 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1 3, 3 का इंटीग्रल है 3x, कॉस 4x का इंटीग्रल है साइन 4x अपॉन कोफिशियंट ऑफ x, और 4 कॉस 2x है 4 साइन 2x अपॉन 2 प्लस एन इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो फाइनली ये इसका इंटीग्रल हो गया।